हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, किन सारे प्रॉब्लम्स को एक इकोनॉमी यू नो सॉल्व करने की कोशिश करती है। इन जनरल अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने, इस टॉपिक को लाइक आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। नाउ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम इज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द ह्यूमन नीड्स, है ना, एंड द यूज ऑफ सच रिसोर्सेज इन ऑल्टरनेटिव वेज टू मीट द एंड्स। जो बात बोली गई वो ये है कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का, वो ये होता है कि वहां पे रिसोर्सेज की हमेशा कमी होती है, रिसोर्सेज की हमेशा कमी होती है विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन नीड्स। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है, मेरी जो नीड्स है, उसके हिसाब से किसी भी इकोनॉमी में देखना कि हमेशा जो है वहां पे स्कार्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। और उस रिसोर्सेज का आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करोगे ताकि सबके सेटिस्फेक्शन को पूरा किया जा सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली एवरी इकोनॉमी इज फेस्ड विद सर्टेन बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स व्हिच इट मस्ट ट्राई टू सॉल्व विद इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दीज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आर, तो अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हर एक इकोनॉमी को जो है इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट यू नो सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत डिफरेंट चीजें ट्राई करके इनको सॉल्व करना होता है। अब वो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, वो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अब देखो हमारे इंडिया में जब हम रह रहे हैं और हम पैसे पे करने को तैयार है, लेकिन सपोज आपके पास अगर खाने को चावल ना रहे, गेहूं ना रहे, तो आप खाना कैसे खाओगे, है ना। तो इतना तो मुझे पता है कि भाई जीने के लिए मुझे इन दोनों चीजों की आवश्यकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है, तो इनकी पैदावार तो होनी ही है, किसान इसीलिए काम करते हैं, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये आपको पता चल गया। अब आप सोच रहे हो हाउ टू प्रोड्यूस, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इसको पूरा करने के लिए अब हम सोच तो मैंने लिया है कि इसको करना है, पर कैसे करना है ये प्रॉब्लम है। तो एक इकोनॉमी इसके बारे में भी सोचती है कि भाई कैसे करना है। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किनके लिए करना है। मेरे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। अब आपको अगर 140 करोड़ लोगों का अगर आपको पेट पालना है, तो डेफिनेटली आपको लाइक उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना होगा। समटाइम्स क्या होता है देखना कि जब चावल वगैरह बच जाता है, गेहूं वगैरह बच जाता है, तो हम चीजों को बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ज्यादा करो पर कम मत करो, कम करोगे तो बाहर से हमें मंगवाना पड़ेगा, तो इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं होगा। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में यूज होने वाली जितनी की भी सारी यू नो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाए अच्छे तरीके से, और कैसे प्रोडक्शन किया जाए। अगर आपने सोच लिया कि करना तो है पर कैसे करना है ये आपको नहीं पता, तो उसके ऊपर आपको मंथन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कितना किया जाए, ऐसा ना हो कि वेस्ट होने लगे, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही है तो लोगों ने उसको पानी में बहा दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, यू नो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये हालांकि सिर्फ वो रीजन नहीं है, रीजन इसके पीछे और भी बहुत सारे हैं, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट यस, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, दीज आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके ऊपर हर एक इकोनॉमी काम करती है, इसी के लिए काम करती है एक्चुअली। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम होता है वो यही है, और इसी के ऊपर लाइक गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को काम करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, याद रखो फंडामेंटल, जिसको अगर सॉल्व नहीं करोगे तो देश नहीं चलेगा, वो प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। चलो फिर एक एक करके पॉइंट कर लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो क्या लिखा हुआ है कि क्या पैदावार करना है। अब जैसे कि सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई वॉन्ट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वो हो सकता है किसी और के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उस चीज के ऊपर काम करूंगा। ये मुझे पता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, ये मुझे पता चल गया कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है मेरे लिए, ताकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। बट अगर हम एज ए कंट्री बात करें तो कंट्री को भी पता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि किसानों का ख्याल रखना, बिकॉज किसान आर द वंस हु फीड अस, जो कि हम लोग को खाना खिलाते हैं। भले ही हम उनको उस चीज के लिए पैसे दें, बट अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे होकर के भी, पैसे तो हम लोग खाएंगे नहीं ना, पैसे कोई खाने की चीज तो होती नहीं है, पैसे से हम सामान खरीदते हैं वो खाते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछो। जब भी अपने अपने लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो आप क्या करने चाहते हो, ये आप अपने आप से बार बार पूछो। देखो जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, वो रियल लाइफ में लाइक एक तरीके से सम्मिलित है, रियल लाइफ में उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, है ना। आपको अपनी स्टडी को अपने बिहेवियर के साथ, अपने
जो भी आपके एनवायरनमेंट में चीजें उसके साथ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, तभी आप चीजें सीख पाओगे, आपको याद रहेंगी ज्यादा दिनों तक। सो व्हाट यू प्रोड्यूस, ठीक है ना। चलो देखते हैं, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इट विल लुक गुड, लेट्स मेक इट ग्रीन। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस हैव एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट, सो इट मस्ट बी सेलेक्टिव एंड डिसाइड वॉट टू प्रोड्यूस एंड वॉट नॉट टू प्रोड्यूस। देखो क्या बोला गया कि जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, पहले समझा कि किसी भी इकोनॉमी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं जितने उनकी यहाँ पे डिमांड होती है। तो जब आपको पता है कि आप सारे चीजों को पूरा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ सेलेक्टिव चीजों के ऊपर ही काम करना पड़ेगा ताकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। वही बात यहाँ पे बोली गई है, दैट इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट। जो भी चीजें चाहिए सब आपने प्रोड्यूस कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कर पाओगे ये। दूसरा, इसीलिए सो इट मस्ट बी सेलेक्टिव, इसलिए हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। व्हेन सम गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, सम वांट्स ऑफ द सोसाइटी रिमेन अनसेटिस्फाइड। जब कुछ चीजें नहीं तैयार की जाती हैं, तो कुछ जो चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी के द्वारा वो अनसेटिस्फाइड होती हैं, उनको हम पूरा नहीं कर सकते। द डिसीजन रिगार्डिंग द वांट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड आर इंटर रिलेटेड एंड वन डज नॉट स्टैंड इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो जो भी डिसीजन होता है इस चीज से रिलेटेड कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है, जिससे कस्टमर का जो है एक तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो पाएगा, वो चीजें जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के बारे में आप करोगे तो हो जाएगा, चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर एक चीज के ऊपर ध्यान दोगे तो उसका असर जो है बाकी सारी चीजों के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको कहा जाता है कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे ताकि जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां से मिल पाएगा। If some factors of production are employed in the produced in the production of production X, product X, they are not to them to the extent being employed in the production of product of Y, ठीक है। अगर कुछ factors का इस्तेमाल किया गया है product X को produce करने में, तो इसका मतलब है कि उन सारे product का इस्तेमाल आप product Y को produce करने में नहीं कर सकते, क्योंकि वो already employed है एक काम में, तो आपको वहाँ पे और दूसरा करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्ट एक्स, तो आप क्या करोगे, आपका ध्यान शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट वाई की तरफ, एक्स की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा या कम दोगे, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं। द प्रॉब्लम्स कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय फेमस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हिच यू शैल स्टडी लेटर इन दिस यूनिट। हालांकि हम लोग यूनिट तो अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये लाइन यहाँ पे लाइक अननेसेसरी है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यू शुड नोट दैट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिमूव्ड completely from the scene. ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम कभी भी एकदम से हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करेगा, फार्म लॉज बनाने पड़ेंगे, फार्म लॉज अभी जो हाल में आए थे उसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई और आपको सारी चीजें पता है कि क्या हुई है। तो ये चीजें को ध्यान में रख करके लाइक आपको सारी चीजें करनी है। डेवलप्ड इकोनॉमीज फॉर एग्जाम्पल हैव मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा सही उनके पास चीजें होती हैं। इवन इन दीज केसेस द रिसोर्सेज आर नॉट सफिशियंट फॉर मीटिंग देयर ऑल देयर नीड्स, मोर ओवर द नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इस केसेस में भी देखा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो सफिशियंट नहीं हो रही है हमारे लिए, ठीक है ना, और इतनी सफिशिएंट भी नहीं हो रही है कि हम अपने सारे डिमांड्स को पूरा कर सकें। तो इसीलिए मोर ओवर द नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये जो नेचर है इस प्रॉब्लम का, इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते इस तरीके से कि आपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आपने मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी इस तरीके से होती है, तो आपने अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज भी कर दिया फिर भी जो बेसिक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। Irrespective of the type of economic, a capitalist or socialist or a mixed economy, the allocation of resources must be production of different goods has to be decided. जैसे देखो खाना तो रशिया के लोग भी खा रहे हैं, खाना जो है अमेरिका के लोग भी खा रहे हैं। अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, रशिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो तीनों तरह की इकोनॉमी में आपको जरूरत है कि आप अपने लोगों को खाना खिलाओ। लोगों को खाना नहीं खिलाओगे स्टार्वेशन से मर जाएंगे, आपका देश का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपके लिए एक एसेट क्लास है, उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें के लिए मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट होता है कि आप उनका ध्यान ना रखो, जो भी चीजें हैं उसको दरकिनार करो, लेकिन सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला लाइन नहीं करते हैं, अननेसेसरी। हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे भाई चावल पैदा करना है, पर कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। सो हाउ विल यू डू इट,
है ना, रिसोर्स का एलोकेशन सही तरीके से करना पड़ेगा ताकि आप कर पाओ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच कवर्स द डिटेल्स ऑफ द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक तरीके से इंडिकेट करता है, एड्रेस करता है उस प्रॉब्लम को जहां पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करोगे। अगर आपने रिसोर्सेज को गलत तरीके से एलोकेट कर दिया, जहां जरूरत नहीं थी वहां आपने ज्यादा पैसे डाल दिए, जहां जरूरत थी वहां कम डाले, तो उसका असर जो है हमारी इकोनॉमी को देखने को मिलता है। More precisely, you can say that when an economy decides to produce product X, it has to also to work out exactly how much labor, capital, land, etc. would go into this participation. तो जब किसी कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया, जब किसी इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको प्रोडक्ट एक्स तैयार करना है, तो उस केस में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि उस प्रोडक्ट एक्स को तैयार करने में कितना लेबर लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, कितना लैंड लगेगा। बिकॉज जो कॉस्टिंग तैयार होता है ना, वो एक प्रोडक्ट का सिर्फ उसके कॉस्टिंग से नहीं होता, बल्कि जो अदर चीजें होती हैं उन सब के साथ मिला करके एक प्रोडक्ट जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसका एक प्राइस तैयार होता है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन used in the production of an item is called technique of production of that item. ठीक है, तो जो exact proportion है कि आपको कितना देना चाहिए, कौन से factors का इस्तेमाल कितना करना है, क्योंकि आपको पता है कि factors कम है, resources कम है, तो आप कितना करोगे, ये जो technique होती है इसको हम कहते हैं एक तरीके से called the technique of production, है ना, कि किस तरीके से आप product को प्रोड्यूस करोगे, है ना, कितना इस्तेमाल करना है। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए दिक्कत, कम इस्तेमाल करोगे तो भी आपके लिए दिक्कत। तो आपको एक ना एस्टीमेट बना करके आपको तैयार करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी मे थिंक ऑफ गुड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर लेबर देन कैपिटल। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसे गुड्स हैं जहां पे खर्च ज्यादा नहीं पड़ता, बल्कि वहां पे जो लैंड, जो लेबर लगता है, जो काम कर रहे होते हैं, उसकी उस चीज के ऊपर ज्यादा खर्च हो जाता है। कैपिटल में उतना खर्चा नहीं है, लेकिन हाथ का काम, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, कोई ऐसा चीज जो कि हाथ से किया जाता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि हाथ से बनाया जाता है, आप उसका एग्जाम्पल ले लो। हो सकता है आपसे उसको पैसे ज्यादा स्टार्टिंग में ना लगे, लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा विद कंपैरिजन टू द मटेरियल कॉस्ट। समझ रहे हो, तो ऐसा भी चीजें होती हैं। कई बार होता है कि मटेरियल के दाम ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन जो लेबर कॉस्ट होता है वो कम होता है, है ना। इन सच केसेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर सेड टू बी इन यूज। तो जहां पे लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होगा वहां पे आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ऑन द अदर हैंड इफ मोर कैपिटल गोज इनटू प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम देन वी से दैट इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में आपका कैपिटल ज्यादा जा रहा है, आपके पैसे ज्यादा जा रहे हैं, तो हम वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एनी कंट्री आइडियली स्पीकिंग द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हर एक कंट्री में अगर देखा जाए, आइडियली स्पीकिंग अगर बात की जाए, तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है कि आप किस किस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, वो डिपेंड करेगा कि उस कंट्री में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, उस कंट्री में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, अ कंट्री लाइक आवर्स, हमारी कंट्री की बात हो रही है, कंट्री लाइक आवर्स व्हिच हैज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल शुड गो इन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमारे इंडिया में कैपिटल, पैसे बहुत कम है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा है रहने वाले, तो हमारे पास ज्यादा क्या है, लोग है, लेबर है। तो ऐसे कामों में, ऐसे प्रोडक्ट्स में हमें ध्यान देना चाहिए जहां पे प्रोडक्शन, मतलब लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो और कैपिटल का इस्तेमाल कम हो। क्योंकि लेबर ज्यादा है तो सस्ते दाम पे हमें लेबर मिल जाता है, तो किसी भी चीज को आप बनाओगे तो आपको सस्ता कम ही पड़ेगा, और आपको फिर उसको हाई प्राइसेस में बेचना है ताकि आपका बेनिफिट हो पाए। तो इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है। सिमिलरली देर आर मेनी कंट्रीज विच हैव एबंडेंस ऑफ कैपिटल बट शॉर्टेज ऑफ लेबर। अमेरिका को ले लो, सऊदी अरेबिया को ले लो, गल्फ कंट्रीज को ले लो, वहां पे लेबर क्लास है ही नहीं, तो इंडिया से लोग जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। समझ रहे हो, वहां पे पैसे बहुत है लेकिन लेबर नहीं है, तो लेबर तो भाई आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, इंडिया से, अफ्रीका से, अलग अलग जगहों से लोग जो है आते हैं काम करने के लिए। दे शुड प्रेफर कैपिटल इंटेंसिव मैथड ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए वो लोग जो है कैपिटल इंटेंसिव मैथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे खर्च ज्यादा होता है और लेबर कॉस्ट में जो है वहां पे भी खर्च होता है। हमारे यहाँ पे लेबर के ऊपर, चूंकि हमारे पास अबंडेंट है, तो लेबर के ऊपर कम खर्च होता है, और कैपिटल इंटेंसिव जो कि है हमारा, कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो वहां पे कम होता है। ठीक है ना, तो ये कम ज्यादा वाले के लफड़े में नहीं पड़ना है आपको, कहाँ पे खर्च हो रहा है। खर्च आपका लेबर में भी होगा, खर्च आपका आपका रॉ मटेरियल पे भी होगा, लेकिन जहां पे लेबर इंटेंसिव रहेगा वहां पे लेबर सस्ता होगा, जहां कैपिटल इंटेंसिव रहेगा वहां पे कैपिटल का खर्च ज्यादा होगा, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट होगा, लेबर कम इन्वेस्ट होगा, इस तरीके से काम करता है ये। अच्छा, अब अगला सवाल है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सो अ सोसाइटी कंप्राइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स, ऑल द आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेटली मेंट फॉर देयर यूज।
है ना। तो एक सोसाइटी में एक लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड घर, बहुत सारे घर वगैरह होते हैं, तो सारे के सारे घरों को खाने की जरूरत है, सारे के सारे घरों को आउटपुट की जरूरत है। तो जो भी आउटपुट निकल करके आता है, ऑल द आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेटली मेंट फॉर देयर यूज। जितने भी सारी आउटपुट्स आप तैयार करते हो, जितनी भी सारी गुड्स एंड सर्विसेज आप तैयार करते हो, ये आप उन्हीं इंडिविजुअल्स और उन्हीं हाउस होल्ड के लिए तैयार आप करते हो। क्योंकि अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको बेचोगे ना, अपने अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे लाइक उन्हीं के लिए तैयार हो रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना का जरूरत है। अगर 100 लोगों को खाना चाहिए, आपने 150 लोगों का खाना बना दिया, तो 50 लोगों का आप क्या करोगे? 50 लोगों का खाना बर्बाद हो जाएगा, किसी को बांट दोगे, अब उसके लिए आप पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि 100 लोगों का ही बनाना था, है ना। सो देयरफॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। इसीलिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की जाती है, उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। The shares of each individual and household to be determined, and the, also the quantities of specific goods and services which comprises that share. ठीक है, तो कितने सारे घर हैं और कितने सारे घरों में कितनी कितनी आवश्यकता है, ये भी आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, ताकि आप सही तरीके से उनको चीजों को डिलीवर कर पाओ। यू कैन इजिली सी दैट इट इज पॉसिबल टू प्रपोज डिफरेंट प्रिंसिपल्स वेयर बाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन मे बी कैरिड आउट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां पे इसका भी इस्तेमाल होगा। इन एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्केट प्रिंसिपल्स, द इनकम शेयर्स ऑफ इनकम इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। इन मार्केट इकोनॉमी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड। अब यहाँ पे देखो, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट की बात हो रही है, कि जब आप कैपिटलिस्ट हो तो आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों के फायदे की तरफ है, जो कि जो ज्यादा डिजर्विंग है उसको ज्यादा फायदा मिल पाए। सोशली अगर जब जब आप होते हो, तो आप सभी लोगों को एक तरह से देखते हो, ठीक है ना। प्राइवेट में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट कंपनीज उसको ओन करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसको खर्च भी करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमी होगी, अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, तो गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको मतलब एक तरीके से यूज करेगी, राइट। सो दे आर सोल्ड बॉट एंड हायर्ड लाइक एनी अदर गुड्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, या जो भी ये फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको उसी तरीके से सेल या फिर खरीदा जाता है जैसे हम बाकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये रूल हर जगह काम करता है। किसी भी चीज का प्राइस पता करने के लिए आपको उसकी डिमांड एंड सप्लाई को देखना पड़ेगा। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, तो उस चीज का प्राइस घटेगा। पर अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई सॉरी मैं उल्टा बोल गया, डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस सप्लाई कम होगा, तो उस चीज का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आप डिमांड को बढ़ा रहे हो और सप्लाई कम है मार्केट में, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उस चीज का प्राइस जो है घटने लगेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, तो आप उसको याद रख सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया था आपको, प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी लाइक उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। सो व्हेनेवर इट इज टू बी एम्प्लॉयड बाय अ प्रोड्यूसर, ही हैज टू पे इट्स मार्केट प्राइस टू इट्स ओनर। तो जब भी इसका इस्तेमाल होगा, आपको इसके ओनर को उसका मार्केट प्राइस जो है, जो भी उसका मार्केट प्राइस उस टाइम पे होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। इट इज फॉर द ओनर टू सप्लाई इट टू द मार्केट और विथहोल्ड इट। अब ये ओनर के ऊपर है कि वो मार्केट में सप्लाई करे या उसको रोक करके रखे। द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर द कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओन्ड एंड सप्लाइड बाय हिम टू द मार्केट एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। तो हर एक इंडिविजुअल का कितना इनकम होगा, वो सारी चीजें जो है उस ओनर के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि उस चीज को मार्केट में सप्लाई करने वाला है, ठीक है ना। मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है और उसके रिस्पेक्टिव प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यस, ये सारी चीजें जो है कंप्लीट हो गई हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बताया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो। एंड इस कोर्स को आपने, आई होप कि आपने परचेस कर लिया है। बाकी सारे कोर्सेज भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, जिस भी टॉपिक में आपको टफ लग रहा है। एंड यस, नोट्स के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन लोगों ने इसको क्लास प्लस पे देख रहे हैं, उनके लिए नोट्स फ्री में अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको वहाँ पे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, आप उसको स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से, आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से होगा। मिलते हैं, ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।